गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर विनय मंथु। तो मेरी जो कविता है वो डिबेट है चाय और कॉफी के बीच की। सबसे पहले कॉफी बोलती है, अपने बारे में ज्यादा बोलना ना इंसाफी है, अपने बारे में ज्यादा बोलना ना इंसाफी है, जब मेरा तो नाम ही काफी है। कैपिचेनो लाटे एस्प्रेसो जैसे अनेक इंपोर्टेड मेरे नाम हैं, चाय जैसे आग पे क्यों जलूं, मुझे बनाना तो सीसीडी की महंगी मशीनों का काम है। इसके रिप्लाई में चाय बोलती है उसको, मैं तो बस अपने चाहने वालों की निराली हूं, मैं तो बस अपने चाहने वालों की निराली हूं, प्यार भरी और मासूम छोटी सी चाय की प्याली हूं। माना तू परदेसी है मैं देसी हूं, तू महंगी है मैं सस्ती हूं, मगर मैं दूर तक टिकती हूं, इसीलिए तो ट्रेनों में भी बिकती हूं। कॉफी बोलती है, दोबारा से कॉफी बोल रही है, मेरी तो झाग पे भी सफेद दिल बनाए जाते हैं, मेरी तो झाग पे भी सफेद दिल बनाए जाते हैं, तभी तो कैफे में बड़े बड़े दिल बनाए जाते हैं। मैं तो कॉफी विद करण जैसी मॉडर्न मुलाकात हूं, मैं तो कॉफी विद करण जैसी मॉडर्न मुलाकात हूं, लंबी बातों के लिए एक लग्जरी सौगात हूं। कॉफी के इस रिप्लाई में टीम होती है, हां मॉडर्न तुम्हारी हस्ती, महंगा तुम्हारा श्रृंगार है, हां मॉडर्न तुम्हारी हस्ती, महंगा तुम्हारा श्रृंगार है, मगर मुझ में छिपा बनाने वाले का भी तो प्यार है। तभी तो मम्मी ने कॉफी पे नहीं चाय पे बुलाया है। तभी तो मम्मी ने कॉफी पे नहीं चाय पे बुलाया है, और लोगों ने तो चाय वाले को पीएम तक बनाया है।